ऐतिहासिक पाडहा जतरा खूंटा शक्ति स्थल मुडमा की पवित्र भूमि को झारखंड सरकार आदिवासियों के धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित कर पूजा परिक्रमा करने वाले रास्ते की सुंदरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। असामाजिक तत्वों द्वारा सुंदरीकरण के कार्य को रोका जा रहा है, जिसके विरोध में कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग राजभवन के समक्ष पहुंचे। साथ ही इसको लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। आदिवासी समाज का कहना है कि हम लोग आज हजारों की संख्या में अपने आस्था का केंद्र मुडमा जतरा स्थल को बचाने आए हैं। उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसे गंभीरता पूर्वक देखा जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज ने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा है कि अगर प्रशासन इसे नहीं रोकती है तो आदिवासी समाज से 50,000 लोग इकट्ठा होकर इसका विरोध करेंगे। इस दौरान अगर कुछ विधि व्यवस्था की समस्या आती है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन खुद होंगे। हम लोग जो गए थे, हम लोग का जो आस्था का केंद्र है और साथ में हमारा अस्तित्व का केंद्र है, हमारे पुरखों का इतिहास जिस जगह से जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक जतरा स्थल मुडमा, हम लोग उसके अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे। कुछ असामाजिक तत्व जो किसी विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो कि पहले भी कई तरह के कांड, जो वहाँ एक मर्डर कांड हुआ था, जो रेप कांड हुआ था, उसके वो आरोपी हैं और उनके द्वारा एक विशेष समुदाय को भड़काने का काम किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग अपना हिस्सा लेंगे, यहाँ इमामबाड़ा बनाएंगे। इस तरह से लोगों को भड़का कर, एक समुदाय को भड़का कर वहाँ पर अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग आज पूरा समाज के लोग, चूँकि भावना से सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन चूँकि सारे लोग इस आस्था से जुड़े हुए हैं, उस जगह से जुड़े हुए हैं, इसलिए सारे लोग अपने अपने स्तर से आए और अभी हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ पर जुट पाए और इसको लेकर अभी हम लोग डीसी साहब से हम लोग मिले और उनका आश्वासन भी हम लोगों को मिला कि इन सारी चीज़ों को गंभीरता से लिया जाएगा। और कल सीओ साहब को मांडर उनको आदेश दिया गया कि कल 11 बजे दोनों पक्ष के लोग वहाँ बैठेंगे और सारे पेपर की जाँच होगी और वहाँ पर जो व्यवस्था होगा हम लोग करेंगे, विधि व्यवस्था का मामला आने नहीं देंगे, ये आश्वासन हम लोग को मिला। लेकिन हम लोगों ने भी ये कहा कि अगर प्रशासन, उपायुक्त के पास हम लोग डायरेक्ट इसलिए आए कि वो हमारे कस्टोडियन है और आज अगर मान लो उनकी तरफ से अगर पहल नहीं होती है तो समाज अपने आस्था का चीज़ को बचाने के लिए जो 19 तारीख को जो वहाँ मुहर्रम और इस तरह करके जो छेड़छाड़ करने का बात हो रहा है, तो आज तो हम लोग यहाँ 5,000 लोग जमा हुए हैं, उस दिन हम लोग 50,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ जमा होंगे और उसके बाद जो विधि व्यवस्था का मामला आएगा इसकी पूरी जवाबदेही पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। जी, स्थानीय विधायक की इसमें क्या भूमिका रही? फिलहाल जो है ये मामला जिस तरह से आया तो उसके लिए अभी हम लोग सीधे अभी उपायुक्त महोदय से हम लोग मिले हैं, अभी उनसे भी हम लोग का मिलना बाकी है। ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, क्या मांग था? हमारे ऐतिहासिक मुडमा जतरा स्थल, इसमें हम लोग का सांस्कृतिक पारंपरिक रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है और हम लोग वहाँ हजारों साल पहले से हम लोग को वहाँ ऐतिहासिक जतरा लगते आ रहा है। उसमें कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा उसमें रोड जो बन रहा है उसमें असामाजिक तत्व के द्वारा उसमें रोड बनने के नहीं दे रहा है, तो उसमें हम लोग आदिवासी समाज कतई उसको बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए डीसी ऑफिस हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं ताकि इसमें हम लोग का सांस्कृतिक मुडमा स्थल में किसी प्रकार का कोई अड़चन ना हुए। इसी दरमियान हम लोग समाज के सभी बुद्धिजीवी और समाज के शुभचिंतक उस यात्रा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, इस वजह से हम लोग ज्ञापन सौंपने डीसीपी से आए हैं। कोई राजनीतिक दल से मिले? ना, नेता से? केवल बस इसमें हम लोग का सामाजिक शुभचिंतक लोग हैं, कोई किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ मिला हुआ नहीं है। नाम बेला करकेटा है।